हेलो फ्रेंड, ये देखिए डिश टीवी का सेटअप बॉक्स है। इसमें ये सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करेंगे, नया सॉफ्टवेयर कैसे डालेंगे, इसके लिए ये नॉर्मल बॉक्स हो गया, ये भी एचडी बॉक्स हो गया, ये एचडी बॉक्स हो गया, ये रिकॉर्डिंग वाला। तो इसमें रिकॉर्डिंग यूएसबी नहीं है और इसमें यूएसबी वाला के पास कोई सा भी मॉडल का हो गया। और ये डिश प्लस, ये भी नॉर्मल बॉक्स है। तो इसको कैसे सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल करेंगे, ये जो पावर वाला बटन है, चालू है ना, पावर वाला बटन निकाल देंगे और ये जो पावर का पावर सप्लाई जो है ये निकाल देंगे, और पावर स्विच ऑफ का जो भी बटन है ये पहले दबा देंगे, और ये एडेप्टर का जो है ये लगा देंगे। ये इसमें रेड लाइट आ गया और ये दबा करके रखेंगे, और इसमें देखिए अभी सॉफ्टवेयर आएगा। लोडिंग प्लीज वेट, और ये दबा करके रखेंगे और ये ऐसे करके आ जाएगा ये सॉफ्टवेयर। और इसमें ये सब चेंज नहीं करना है, सीधे नीचे आकर के स्टार्ट जो लिखा हुआ है इस पे स्टार्ट कर देंगे। इधर आपका सिग्नल क्वालिटी लिखेगा और इधर सिग्नल लेवल, सिग्नल स्ट्रेंथ। और ये जो आपका सिग्नल नहीं रहेगा तो इसमें 0-0 रहेगा, तो सिग्नल रहेगा तभी जाकर के आप सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग कर सकते हैं। और इस पे आकर के ओके करेंगे और ये डाउनलोडिंग हो जाएगा। ये देखिए डाउनलोडिंग हो जाएगा। क्या करना है, कोई सा भी नॉर्मल बॉक्स हो, एचडी बॉक्स, ये निकालेंगे या नहीं तो ये एडेप्टर आ गया, एडेप्टर का लाइन काटेंगे और यहाँ से दबा करके रखेंगे और देंगे सीधे नीचे आकर के स्टार्ट करेंगे, ये सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगा स्वतः। और सॉफ्टवेयर कंप्लीट होगा तो इसमें बहुत अच्छा रहेगा, जो भी फ्यूचर रहता है वो सब आ जाता है, बॉक्स हैंग नहीं करेगा। जैसे नॉर्मल बॉक्स सब रहता है हैंग करता रहता है, तो ये सब हैंग नहीं करेगा। और ये तो डिश टीवी का हो गया कि आपको ये दबाना और यहाँ पे बस लगाना और दबाना, तो ये आ जाएगा। टाटा स्कैन का कैसे करेंगे, इसके लिए रिमोट से ही दबाना पड़ता है। एयरटेल का कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, इसके लिए भी रिमोट से ही रहता है। तो ये वीडियो हम दूसरा वीडियो में बताने वाले हैं, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद। दूसरा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, दूसरा वीडियो में टाटा स्कैन का सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करेंगे, धन्यवाद।